हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट से जुड़ जाइए। कौन कौन लाइव आ गया है? कौन एवरीवन, सब लोग आ जाइए बच्चों। और बहुत 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 स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आयुष्मान बैच का आज पहला लेक्चर होने जा रहा है। और इसमें क्या होने वाला है आयुष्मान बैच में, और ये जो पूरी सीरीज है जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं नीट 2022 का, इसमें किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आप लोगों को इस बैच से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, किस तरह से पूरा प्लान रहेगा, तो ये सारी बातें आज करेंगे। और साथ ही साथ हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन, उसे भी स्टार्ट कर देंगे। द जर्नी बिगिंस हियर नाउ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 2022 की जर्नी बच्चों। और इस जर्नी में आप लोगों का साथ देने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम रेडी है, और आप लोगों को सफलता के शिखर तक ले जाना, यही अल्टीमेट टारगेट है। इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि आप लोगों का और हमारा टारगेट सेम ही, दोनों का टारगेट सेम है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ, बहुत बढ़िया रैंक के साथ। तो बच्चों, मेरा नाम है शुभम नंदवाना, मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर। और इस चैनल पे काफी बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे या ज्यादा नहीं देखा होगा, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर अभी मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। और यहाँ पर जो क्लासेस होने वाली है बच्चों, इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों। कौन कौन आ गया यार, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर बात स्टार्ट करेंगे। आगे आपको एक बार मैं पूरा माहौल बता देता हूँ कि किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को फील आ जाएगा एक बार, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे बता देंगे चैट में बच्चे। एवरीवन कम ऑन बेटा, आपका आयुष्मान बैच स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है। कल इसका हमने लॉन्च किया था इवनिंग में, जो बच्चों ने लॉन्च मिस कर दिया था उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पहले कि क्या होने जा रहा है इस बैच में। बच्चों को कुछ कंफ्यूजन भी होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। हेलो ऋतिक, यस थैंक यू बच्चा, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो बेटा, आयुष्मान बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है, अन अकेडमी का चैनल है ये हमारा, लेट्स क्रैक नीट यूजी, इस पे स्टार्ट होने जा रहा है। और ये स्पेसिफिकली होने वाला है नीट 2022 के बच्चों के लिए। इसमें चाहे अभी आप 12th में हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये बैच है। और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, बायोलॉजी का भी होगा। तो पूरे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे, और आप देख सकते हैं टीम आपके सामने है पूरी, और मोस्ट ऑफ दी फैकल्टीज को आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। और मैं रिसेंटली ज्वाइन कर लिया हूँ, तो फिजिक्स मैं और अर्चना मैम हम दोनों मिलकर के लेने वाले हैं, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी हमारी टीम पूरी है। और इस पूरे बैच में क्या होने वाला है बच्चों, की आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से मिल रही है कि अभी तक आपका जो भी सिस्टम रहा है, जिस भी तरीके से आप पढ़े हैं, जिस भी तरीके से आगे बढ़े हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहां से लगा करके जब तक हमारा नीट का एग्जाम आता है, तब तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर आपको मिलने वाला है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ चीजें मिस कर दी गई हैं या कुछ चीजें निकाल दी गई हैं हवा में, वैसा कुछ नहीं होने वाला, कंप्लीट कवरेज आप लोगों को मिलेगा। सेशन को फटाफट से शेयर कर दो बच्चों, है ना, शेयर कर दो ताकि और लोग भी जुड़ जाएं, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा क्लासेस में आने वाला है। और डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, स्पेशली मेरी क्लास की अगर मैं बात करूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। अब ये कंप्लीट कवरेज में, कंप्लीट कवरेज का मतलब क्या, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज होगा यहाँ पर सिलेबस का, तो एक तो आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लियरिटी, ठीक है। कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करेंगे हम लोग फिजिक्स में, स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सब होगा बेटा, आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार पूरी, आप लोगों को सारी बात समझ आ जाएगी। इसीलिए मैं तसल्ली से पहले सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना तो फिर हमें है ही, सारे लेक्चर्स में हमने पढ़ाई करनी है ना। यहाँ पर पहले एक बार थोड़ा सा जो पूरा का पूरा अपना सिस्टम रहने वाला है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग भी उस हिसाब से अपनी स्टडी को सिंक्रनाइज कर सके। तो कॉन्सेप्ट कवरेज पूरा मिलेगा आपको, स्पेशली इन फिजिक्स। हर डेरिवेशन आपको बताऊंगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, सारी चीज बताई जाएगी। साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी बेस्ड कवरेज भी होने वाला है, यानी कि एनसीईआरटी के अलग से सेशन लेंगे हम, जिसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। साथ ही साथ फिजिक्स में स्पेशली एनसीईआरटी बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है,
अब क्रिटिकल किस लिए कह रहा हूं बेटा, क्योंकि क्या है कि अपनी जो एनसीईआरटी है ना, उससे अगर आप थियरी पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग रहता है काफी जगह पर। जैसे कोई भी टॉपिक है उसका एक लाइन दे दिया है, ठीक है, उसको डिटेल में नहीं दिया है, तो हम उसको भी कवर करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट चली, और साथ ही साथ जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक कॉन्सेप्ट से। पीवाईक्यूज तो है ही सही, पीवाईक्यूज तो हम करने ही वाले हैं यहाँ पर भाई, पीवाईक्यूज तो होंगे ही होंगे, लेकिन पीवाईक्यूज के अलावा भी नए क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं, कैसे नए क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, एग्जामिनर किस तरह से सोचते हैं, तो हम वो काम भी यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस भी आपकी होंगी, स्पेशल क्लासेस इन सिंक्रोनाइजेशन विद दीज क्लासेस। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी का ऐप पर होती है, फ्री क्लासेस होंगी मेरी, और वहां पर आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा, वहां क्विजेस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे थियोरेटिकली कंसेप्चुअली, उसका प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे आपके लिए। और प्रैक्टिस सेशन में आपको यहाँ पर क्विज मिलेंगे, आपको पता ही होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्विज होता है, वहां पर हम पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, रैंक आता है आपका, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रैक्टिस, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कितना ग्रेस्प कर पाए हैं और प्रैक्टिस किस लिहाज से चल रही है, और वहां पर डाउट क्लियरिंग भी हो जाएगी आपकी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कवरेज आपको मिलने वाला है। और फिजिक्स में मैं बता दूं बच्चों, बहुत बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि 2020 का जो हमारा पेपर था, 2021 का जो पेपर था, उसमें थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉप टीयर है यानी 650 प्लस के जो स्टूडेंट है वो काफी सारे आए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई उनके मार्क्स कम हो गए हैं या बच्चे जो टॉप टीयर में आ रहे हैं वो कम हो गए, नहीं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। यानी आप देखेंगे तो रैंक जो है वो जितनी आनी चाहिए थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उतनी नहीं आई है, कम आई है 650 प्लस मार्क्स पे। तो इससे सीधी सीधी बात ये पता चलती है, ये अंदाजा होता है कि कंपटीशन बढ़ गया है ना। तो कंपटीशन बढ़ गया, एवरेज पढ़ाई हमें नहीं करनी है, एवरेज क्वेश्चंस करके काम नहीं चलेगा, आप उसी स्लैब में फंस के रह जाओगे 500 550, लेकिन हमें उससे बियॉन्ड जाना है, तो हमारी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। तो जो वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो रैंक डिसाइड करते हैं, जो आपको वो 500 से 550 या 550 से 600 लेकर के जाते हैं, वो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, उसी लिहाज से तैयारी करेंगे, तो जो बाकी लड्डू हलवा क्वेश्चन होते हैं ना वो निपट जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, आज डिटरमाइन कर लेना है कि क्या वाकई में हम लोग चाहते हैं नीट 2022 क्रैक करना। अगर चाहते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी जोश के साथ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है बच्चों आप लोगों ने, और इसमें हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपको, एकेडमिकली आती है या मेंटली आती है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर आपके टीचर्स ही नहीं है, मेंटोर्स भी, तो सारी चीजें हम लोग करेंगे और एक कनेक्शन बनाए रखेंगे, ठीक है, पूरे जोश के साथ, ताकि हम लोग इस फीट को अचीव कर पाए, हमारा जो डॉक्टर बनने का सपना है उसे पूरा कर पाए, और आयुष्मान इसी के लिए आप लोगों को एक बूस्ट देने की कोशिश है। तो बेटा स्टार्ट करेंगे लेक्चर, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर आपको हर लेक्चर के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस के लिंक शेयर हो जाएंगे आपके साथ में, और जो भी ऑफर्स हैं, जो भी प्रैक्टिस सीरीज हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। इसके अलावा बच्चों आप चाहें तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, आइकॉनिक है, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, आइकॉनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, पर्सनल मेंटोर भी आपको मिलते हैं, पूरा स्टडी आप कस्टमाइज कर सकते हैं उनके साथ मिलकर के, नोट्स आपको घर बैठे डिलीवर हो जाते हैं, डाउट सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लान्स चूज कर सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, इजी इंस्टॉलमेंट, पर मंथ बेटे पेमेंट हो सकता है यहाँ पर, और ऑन दी टॉप ऑफ दैट आपने ये कोड इस्तेमाल करना है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएनबी सर, ये सर का नाम है शुभम नंदवाना बोरा, ये कोड आप लगाएंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरे पर्सनल नोट्स, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, ये सब भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज, क्योंकि बेटा आज लास्ट दिन है स्पेशल प्राइस वीक का, 17th है आज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइजेस में काफी कमी आ गई है, ये कैसे हो रहा है, आप कोड लगाएंगे यार, सर का नाम लिख दोगे तो 10% डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है, प्लस एडिशनल 10% और मिलेगा, तो 10+10 20% आपका टोटली यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर लें सब्सक्रिप्शन, और अपना हार्ड एंड मनी जो है वो आप सेव कर सकते हैं।
और बैचेस की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। स्पेशल में अगर आप देखेंगे प्लस में आइकॉनिक में तो आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक आयुष्मान बैच अपना जो स्पेशल क्लास है प्लस क्लास है वहां पर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और एक और स्पेशल चीज अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को एक और गिफ्ट है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज डीपीपीएस मिलने वाली है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एवरी वीक ऐसा होने वाला है। और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मिनट्स में। तो प्रैक्टिस के हिसाब से ये भी आपका एक काम हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चा पेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही ले, मैं यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन के बिना पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान बैच हमारा यूट्यूब पर है, फ्री है, वहां से आप पढ़े, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी वहां पर आपको फ्री प्रैक्टिस मिलेगा। और मेरी आज एक स्पेशल क्लास जिसका लिंक पिन कर दिया गया है तो उसमें आप एनरोल कर लें और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल भी फॉलो कर लें, ठीक हो गई बात। तो यार टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आज 1D मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। अब मोटा मोटी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में 11th में जो मेजोरिटी ऑफ दी चैप्टर्स हैं आपके वो सब किसके अंदर आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। अब मैकेनिक्स क्या है बेटा, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स है बेटा ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, है ना। वी स्टडी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, रेस्ट और इन मोशन। यानी कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो उसका स्टडी जो होता है वो आपका कहलाता है मैकेनिक्स, ठीक है बच्चों। हेलो हेलो जुनैद, कैसे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैकेनिक्स ये है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है, वो मोशन में है, तो उसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं बेटा, हेलो तनीषा, गुड आफ्टरनून, हाय ज्योतिरादित्य, गुड आफ्टरनून बच्चा। तो यहां पर बेटा मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से। कोई भी बच्चा जिसको मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है मान लो उसको, वैसे तो आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली होगी अब तक, बट स्टिल अज्यूम करो आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी बिल्कुल जीरो से टॉप नॉच लेवल तक लेकर के जाऊंगा। आपने सिर्फ पेशेंस रखना है, कोई भी डाउट होगा आपने पूछना है ड्यूरिंग दिस सेशन, और साथ बने रहना है। आप यकीन मानिए आपको 2 से 3 सेशन में पता लग जाएगा कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी किस हद तक यहाँ पर मिलेगी वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ द मोशन वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है बच्चों, एक तो होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स, ठीक है, ये 2 होते हैं, ठीक। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मैकेनिक्स के ही पार्ट है, और मैकेनिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, चाहे वो मोशन में है तो उसका मोशन स्टडी करना, रेस्ट में है तो उसको स्टडी करना। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ही है, स्टडी ऑफ मोशन, बट इसमें क्या है, इसमें हम मोशन का जो कॉज है उसको कंसीडर नहीं करते, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट विदाउट कंसीडरिंग दी कंसीडरिंग दी कॉज ऑफ द मोशन, है ना। यानी इसमें मोशन तो स्टडी करेंगे लेकिन हम ये नहीं स्टडी करेंगे कि यार ये मोशन हुआ किस कारण से। हेलो बेटा सप्तपर्णी, हाय वेलकम। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं लेकिन उसका जो कॉज है उसको स्टडी नहीं करते। चैट में फटाफट से बताओ मोशन का कॉज क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, किस वजह से मोशन स्टार्ट होता है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। देखो इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास तभी मजा आएगा, है ना। बेटा मैंने एक सेशन लिया हुआ है रिसेंटली, आप मेरा इसी चैनल पर एक सेशन है जिसमें मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया है, पूरा स्ट्रेटेजी बताया है आपको, उसका जो टाइटल है वो है हिट द बुल्स आई, एकदम सांड की आंख में तीर मारना है इस बार। तो उसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए फिजिक्स में, अभी से जितना समय है उस लिहाज से सारे पॉइंट्स बताए, वहां नोट्स की बात भी करिए बेटा, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको सारे क्लेरिफिकेशन मिल जाएंगे नोट्स के रिगार्डिंग, किस तरह से प्लान करना चाहिए, टारगेट्स कैसे बनाने चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को कैसे लेना चाहिए, मैथ्स का जो प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में उसे कैसे डील करना है, सारी बातें वहां पर की हुई है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुधांशु ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो कॉज ऑफ द मोशन है ना वो होता है फोर्स। जैसे ये पेन रखा हुआ है, अभी ये रखा है तो रखा रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैं अगर इस पर फोर्स लगाता हूं तो ये मूव करने लगता है, और यही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी है कि अंटिल एंड अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होता। तो भैया कॉज ऑफ द मोशन है फोर्स, ठीक है। तो यहां पर हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं यहां पर मोशन, ठीक है। और डायनामिक्स में क्या होता है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ही है, दिस इज ऑल्सो स्टडी ऑफ मोशन, बट इसमें हम कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन, कंसिडरिंग द कॉज एज वेल। तो इसमें हम मोशन का जो कॉज है, जो कारण है, उसको भी लेते हैं साथ में, उसको भी साथ में यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम बात करेंगे कि भैया पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्टेंस क्या कवर किया है ना, इसके अलावा वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें काइनेमैटिक्स में आ जाती है। इसके अलावा डायनामिक्स में यहाँ पर फोर्स भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें आपका एनएलएम आ जाता है ना, एनर्जी आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो इस तरीके से हमने आगे बढ़ना है बेटा, ठीक। तो अभी काइनेमैटिक्स की शुरुआत हमने कर दी है, वन डी मोशन से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए दो चीजें यहां पर सिंपल सिंपल होती है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन, ठीक है। रेस्ट और मोशन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, है ना, बहुत बेसिक चीज है, कॉमन चीज है। जैसा मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम डिटेल में आपको लेकर के जाएंगे। तो रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, जैसे ये पेन आपने रखा हुआ है, ये रेस्ट पर है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो मोशन में है, सिंपल बात कर रहा हूं, मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में अपन लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्ट और मोशन जो है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। देखिए दो चीजें आपने बड़ी सुनी होंगी फिजिक्स में, एक तो रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, है ना, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव टर्म का मतलब यहां पर क्या होता है कि मोशन और रेस्ट ये रिलेटिव टर्म्स है। क्यों है रिलेटिव टर्म्स? देखिए रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, वो रिलेटिव मतलब वो अपने रिश्तेदार नहीं, ताऊ जी फूफा जी वो नहीं, रिलेटिव का मतलब फिजिक्स में है कंपेयर करना, ठीक है बाबू, कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जा रहा है कि यार एक बालक है जिसका नाम है मान लो महेश, अब महेश है तो कहा जा रहा है कि महेश की हाइट कम है, या सुरेश जो है वो लंबा है, सुरेश की हाइट ज्यादा है, तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इसकी हाइट कम है या इसकी हाइट ज्यादा है? बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं भाई। हम मान लें कि जैसे कोई बच्चा है जिसकी एज जो है 15 इयर्स है, ठीक है, और 15 ईयर के ज्यादातर लोगों की एवरेज हाइट हमारी कंट्री में मान लो जैसे 5 फिट है या 5.2 है, समथिंग लाइक दैट। अब मान लो कि महेश की हाइट जो है वो 4.5 फुट है, तो हमने क्या किया, हमने उस एवरेज हाइट से कंपेयर करके बताया कि महेश की हाइट कम है, सही है। ऐसे सुरेश की हाइट मान लो 6 फिट है, तो उसकी जो एवरेज हाइट है उससे हाइट ज्यादा है, तो हम कंपेरेटिव एनालिसिस करके बता रहे हैं कि हाँ भाई ये लंबा है, ज्यादा बालक जो है ये लंबा है। तो ये लंबा होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब क्या है, रिलेटिव टर्म्स। अगर मान लो हम सबकी हाइट सेम होती तो कोई लंबा या छोटा होता क्या? नहीं होता। फिर एब्सोल्यूट हाइट जो है उसी के हिसाब से बात होती है। एब्सोल्यूट मतलब कि मेरी एक्चुअल हाइट कितनी है, सपोज 6 फीट है, 6 फीट ही एक्चुअली, तो 6 फीट है तो वो मेरी एब्सोल्यूट हाइट है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि यार ये लंबा है, छोटा है, इसकी हाइट कम है, ज्यादा है, तो मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, तो वो रिलेटिव टर्म हो गया बेटा, ठीक है। यस यस यस, हाँ बेटा वही सब बात कर रहे हैं, आराम से सुनो, आप चिल होकर के सुनो, अपने लेक्चर में टेंशन वाला कोई काम नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, हर बात बहुत स्मूथली जाने वाली है दिमाग में, बहुत स्मूथली, ठीक है। तो ये रिलेटिव होता है। अब मोशन और रेस्ट में यही हिसाब है। अब जैसे आप इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लो कि बेटा आप ट्रेन के अंदर हो, सिंपल सिंपल सा, ट्रेन के अंदर आप हो, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, सामने वाली बर्थ पे एक और अंकल जी बैठे हैं, तो जब आप ट्रेन के अंदर हो, आप सामने अंकल को देख रहे हो, तो अंकल आपको क्या मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, अंकल है रेस्ट पर। लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति ट्रेन में देख रहा है तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ अंकल भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, तो अभी वो अंकल मोशन में आ गए। तो ये क्या हुआ, ये रिलेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ कि अगर आपने पोजीशन अपनी बदल ली, ट्रेन से आप चले गए ट्रेन के बाहर, तो आपको वो मोशन में दिखने लगेगा। ऐसी ट्रेन से देख रहे हैं पेड़, तो पेड़ पीछे जाता हुआ दिख रहा है, ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन पेड़ असल में चल रहा है नहीं, तो वो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है। तो असल में जो रेस्ट में होना या मोशन में होना, ये रिलेटिव टर्म्स है, ठीक हो गई बात। जैसे अभी हम अर्थ पर हैं तो हम खड़े हुए हैं तो हमारे लिए हम रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे, यानी कि आप जो है
अंतरिक्ष में जाकर के देखोगे, स्पेस में जाकर के देखोगे, तो बेसिकली अर्थ तो मूव कर रहा है। तो जब अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ सारी चीजें मूव कर रही है जो अर्थ पर है, तो रिलेटिवली फिर वो रेस्ट पर नहीं रहा। तो ये हिसाब किताब होता है। अब रिलेटिव मोशन ये हम अलग से पढ़ेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैकेनिक्स का। देखो बच्चों, मैं आपको एक यहाँ पर बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ, है ना। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो जान। देखो फिजिक्स से सबसे पहले तो जितने भी नीट के मेरे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सब मुझसे एक वादा करें, एक तो फिजिक्स से आप डरना बिल्कुल भूल जाएं यार। मतलब ये डर वर ये मतलब बकवास बात है। फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको नीट में बहुत जबरदस्त एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने शुरू में इन्वेस्ट करना होता है। शुरू में इन्वेस्ट करना हो, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कई लोग कि प्लॉट ले लिया, है ना, जमीन ले ली, अब कुछ समय बाद उसकी रेट बढ़ेगी तो आपको डबल मुनाफा होगा। तो वही काम फिजिक्स का भी है। फिजिक्स में जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपने फोकस करना है, तब इन्वेस्ट करना है उसमें, उसके साथ जुड़ जाना है, फील करना है। वो सब मैं करवाऊंगा, मैं आपको पूरी पूरी हेल्प करूंगा इसमें, और आपको पता लग जाएगा मेरे लेक्चर्स देखोगे तो। रितिक, बेसिक मैथ्स भी कराएंगे, चिंता मत करो, आज मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसीलिए मैं एकदम सीधे पढ़ाने पर नहीं आया, आपको फील दिलवा रहा हूँ, मेरी जो सारी फीलिंग्स हैं, मैं जो बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ आज, वो सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही अर्षाद, बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली एकदम बुल सही हिट कर दिए हो, जबरदस्त। तो फिजिक्स में आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट का मतलब है कॉन्सेप्चुअली डेप्थ में जाना है, चीजें एनालाइज करनी है, फील करना है, और फिर उनका एप्लीकेशन हमको सीखना है। देखिए आप ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पर आपका नीट के एग्जाम में क्या क्या चीज आपसे पूछी जाती है, क्या चीज एग्जामिन की जाती है फिजिक्स के पेपर में। फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, वो अप्लाई करना आपसे पूछा जाता है। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करना है और फिर एप्लीकेशन पर ध्यान देना है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपके पास में बाद में आपको फिजिक्स में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। फिजिक्स में सिर्फ आप प्रैक्टिस भी करोगे चल जाएगा, आपको पूरे पूरे चैप्टर थियरी लेकर के बिल्कुल बार बार रटना नहीं है, रिवाइज नहीं करना, रट्टाफिकेशन का बिल्कुल काम नहीं है। बहुत मैं कह रहा हूं कि मतलब फिजिक्स में आपको 4 से 5 चीजें ऐसी मैं बताऊंगा कि भाई ये याद कर लो एज इट इज, बाकी सब आप कंसेप्चुअली टैकल कर सकते हो। और एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं ना, उसके बाद हम जो है किसी भी चीज को टैकल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पूरे हथियार इकट्ठे हो गए, उसके बाद एग्जामिनर लैंग्वेज ट्विस्ट करे, लेयर्ड क्वेश्चन डाले, रिलेशन बनाए डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, हम सब मैनेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, और इसमें सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की जान है, फिजिक्स की बैकबोन है, फिजिक्स का हार्ट है, ऐसा समझ लो आप, है ना, बायोलॉजी की टर्म में बता रहा हूँ। तो बेटा मैकेनिक्स आपका स्ट्रांग हो गया ना, फिर ये जो फिजिक्स में आप कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा, डर लग, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स में बेसिक मैथ्स का एप्लीकेशन भी आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है। मैकेनिक्स आपको मौका देता है फिजिक्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का, रियल लाइफ के साथ रिलेट करने का, और सब्जेक्ट के साथ जुड़ने का। फिर बाकी सारे टॉपिक्स, चाहे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, जो 12th के टॉपिक आ गए अपने, या 11th का थर्मो हो, सारी चीजें आपको फिर इजी और कंफर्टेबल लगने लगेगी। तो ये आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि मैकेनिक्स में थोड़ा सा जोर लगा लो, बस एक बार मैकेनिक्स पकड़ लिया, फिजिक्स आपके हाथ में, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे हमने देखे हैं, उनका प्रोग्रेस देखा है ना, शुरू से आखिर तक। कुछ बच्चे बहुत सफल हुए, कुछ बच्चे अपनी जो पोटेंशियल था वो अचीव नहीं कर पाए, तो उन सबके क्या क्या कारण है हमें सारी चीज पता है। इसीलिए बच्चों आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बड़े भाई के नाते, बिल्कुल ईमानदारी से, मैकेनिक्स पर थोड़ा सा जोर दे लो कंसेप्शन। ठीक है बेटा, आप अगर ये पूछोगे ना, आपको फिजिक्स में ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही बच्चे मिलेंगे, या तो फिजिक्स पढ़ना ही पसंद नहीं करते कि फिजिक्स में मजा ही नहीं आता, अच्छी नहीं लगती, या फिर ऐसे मिलेंगे कि फिजिक्स में बड़ा मजा आता है। तो बस फिजिक्स में ये दो ही बाइनरी में चलता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं कि काम चला लेंगे थोड़ा बहुत करके, फिजिक्स में वैसा नहीं। इफ यू आर इनटू इट देन यू आर इनटू इट देन यू आर एंजॉयिंग इट, अदरवाइज फिर वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। चलो यार मैकेनिक्स हमने स्टार्ट करना है, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोजिशन। ठीक है, पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, आरिफ बोल रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम और ये और आउट, बेटा सब होगा सब होगा। देखो यार आप समझो बात को, मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पर अर्चना मैम और मैं दोनों मिलकर के फिजिक्स का आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। और कैसे चलेगा, ये अल्टरनेट चलेगा। जैसे अभी अर्चना मैम ने 12th का टॉपिक उठा लिया है, 12th स्टार्ट कर दिया, मैंने 11th का टॉपिक उठा लिया, अब हम पूरा 1D मोशन करेंगे, फिर स्विच हो जाएगा।
मैं 12th का एक टॉपिक ले लूंगा, अर्चना मैम 11th का टॉपिक ले लेंगी। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस कवर किया जाएगा। और आप पेशेंस रखें, साथ चलते रहें, है ना। आपका आप जो भी ट्रैक चल रहा है, जिस भी हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहें, लेकिन ये लेक्चर्स फॉलो करते रहें, इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन काइनेमेटिक्स का सबसे बेसिक एलिमेंट है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है। अब जैसे पोजीशन कैसे बताई जाती है, पोजीशन कैसे बताई जाती है, जैसे मान लो यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल सही हर्षक ने, बिल्कुल सही कहा हर्षक ने, बिल्कुल सही कहा। जैसे मान लीजिए हर्ष है यहाँ पर, मिश्रा जी, हर्ष मिश्रा है ना, उपल है, बहुत सारे बच्चे। तो हर्ष का, मान लो हर्ष का घर किसी ने पूछा कि बताओ भाई हर्ष का घर कहां पर है, किसी ने एड्रेस पूछा, तो हर्ष घर का एड्रेस कैसे बताएगा? या तो प्रॉपर एड्रेस बता देगा, है ना, कि भाई मकान नंबर इतना है, सेक्टर इतना है, ये वाला एरिया, ये वाला कॉलोनी है, ये वाला सोसाइटी है, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह सारा। एक तो ये तरीका, ठीक है। बाकी कहीं से पूछते हैं, जैसे मान लो आप किसी चौराहे पर खड़े हो, वहां से पूछा है कि भैया हर्ष का घर कहाँ पर है, तो हर्ष बता रहा है कि यार चौराहे से आपने लेफ्ट ले लेना है, लेफ्ट लेकर के आप जाएंगे 1 किलोमीटर, उसके बाद आपको एक बरगद का पेड़ दिखेगा, वहां से आपने राइट ले लेना है, राइट लेने के बाद आपको एक पान की दुकान नजर आएगी, पान की दुकान से जो चौथा घर है वही मेरा है। समझ में आगे बात? तो इस तरीके से एड्रेस बताया जा रहा है। अब यहां पर मान लो रेफरेंस बहुत काम करते हैं। अब रेफरेंस हटा, जैसे मान लो चौराया हटा दिया, पान की दुकान हटा दी, बरगद का पेड़ हटा दिया, समझना मेरी बात को, फील करना, तो क्या होगा फिर, क्या बनेगा ये एड्रेस कि भैया आप चले जाओ कितना, 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद आपने मुड़ना है। अब लेफ्ट है राइट है ये नहीं बताया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने बरगद के पेड़ से राइट लेना था, अब बरगद का पेड़ गायब है, अब कहां से राइट लेना है ये मिस हो गया। उसके बाद चौथा मकान है, कहां से चौथा मकान है, पान की दुकान से, अब पान की दुकान मिस हो गई। तो रेफरेंस बहुत जरूरी है पोजीशन बताने के लिए। अगर मुझे पोजीशन बताना है तो रेफरेंस जरूरी है। ठीक हो गई बात? तो यहीं पर आपका आता है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम जो है ना, ये यहीं से आता है कि पोजीशन बताने के लिए हमें रेफरेंस जरूरी है। ठीक। अब मैंने कहा कि एड्रेस बताने का एक और तरीका है कि आपने हाउस नंबर बताया, सेक्टर कौन सा है, कॉलोनी बता दी, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट बता दिया, पिन कोड तक बता दिया, तो ये आपने बिल्कुल एक फिक्स तरीके से बता दिया, फिर वहां पर आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं है, हम सीधे वहां एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है कि अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस हम कैसे लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में रेफरेंस लिया जाता है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया कि ये मेरा वाई हो गया इधर, ये मेरा एक्स हो गया, दो एक्सिस मैंने ले लिए, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहां से मुझे ये वाला एक पॉइंट है ए, अब इसकी पोजीशन बता कि ये कहाँ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे कि भैया ये यहाँ से एक्स वन दूरी पर है, ये यहाँ से वर्टिकल में वाई वन दूरी पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन होगी, ये हमारा रेफरेंस है और ये इसकी पोजीशन होगी एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक। इसी को वेक्टर में भी लिख सकते हैं हम, वेक्टर बोले तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये बता रहा है कि यार रेफरेंस से ये इतनी दूरी पर है, ये आर तो मैग्नीट्यूड, ये इतनी दूरी पर है, 10 मीटर है, 2 मीटर है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता दी कि ये तीर जिधर की तरफ आपको बता रहा है वो डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हो गई। तो ये भी एक तरीका है। वेक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ये आपका पोजीशन हो गया। पोजीशन क्लियर हुई भैया? ठीक है, पोजीशन क्लियर हो गया, ग्रेट। तो ये पोजीशन है, पोजीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पोजीशन सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए, हम यहां पर बात करते हैं मोशन में, पोजीशन की हो गई, फिर उसके बाद बात होती है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फटाफट से बता दो यार, सभी को पता होगा, फटाफट से बता दो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट या शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस और टू पॉइंट। देखिए, अब मोशन की बात हो रही है, तो मोशन होगा तो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, वो किसी एक सर्टेन पोजीशन पर है, अब वहां से वो दूसरी पोजीशन पर पहुंचेगा। ठीक, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जब वो पहुंचा है तो उसने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर को अपना एक्स हो गया, इधर को वाई हो गया, ये एक पोजीशन है ए,
ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया यहां से आर वन वैक्टर, ठीक है, ये हमारा दूसरा पोजीशन हो गया बी, ये यहां से ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर टू वैक्टर। अब मान लो यार एक व्यक्ति जो है ए से बी पर पहुंच रहा है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी पर पहुंच रहा है, तो ये हमारा जो ए बी वैक्टर है दिस इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है ए बी वेक्टर। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है कि भैया ए से बी का सीधा लाइन मैंने लगा दिया और जोड़ दिया इनको, तो ये डिस्टेंस जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, है ना। अब मैं क्या है यहां पर अलग अलग तरीके से जा सकता था, ऐसे घूम करके भी जा सकता था, ऐसे घूम करके भी जा सकता था, लेकिन हमें जब डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो हमें शॉर्टेस्ट देखना है कि सीधा यहां से यहाँ एरो लगा, ठीक, तो वो बताएगा आपका डिस्प्लेसमेंट को। अब मैथमेटिकली देखो यहां पर ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो हम कैसे दे रहे थे, एक्स वन वाई वन, ठीक है, बी का कैसे दे रहे थे, एक्स टू वाई टू, इस लिहाज से दे रहे थे। अच्छा वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आर वन वेक्टर आपका क्या बन रहा था, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ठीक है, आर टू वेक्टर देखेंगे तो ये क्या बन रहा था, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप। अब हमें देखना है ए बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, तो क्या करेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जी कैप। अगर 3D में होगा तो यहां पर के जेड टू माइनस जेड वन की कैप भी आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं बच्चों, ठीक है, कैसे मानशु, ओके ओके ग्रेट ग्रेट बच्चा ग्रेट बच्चा लोग। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डिस्पैरिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा हर टॉपिक के बाद आप लोग बताएं मुझे, तो फिर हम उसको एड्रेस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफाइन करना बहुत जरूरी है मोशन के लिए, क्योंकि मोशन में क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो आप जब तक बता नहीं पाएंगे कि यार ये इस सर्टेन पॉइंट ए से इस सर्टेन पॉइंट बी गया है, तब तक आप उसके मोशन को स्टडी नहीं कर सकते, समझ में आ रही ना बात, तब तक उसका मोशन स्टडी नहीं हो सकता, इसलिए पोजीशन सबसे ज्यादा जरूरी, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आएगा पोजीशन के रेस्पेक्ट में, क्लियर, कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये भाई गया और उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो साइंस का रिप्रेजेंट करने का लैंग्वेज क्या है, क्या हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, मैथ्स है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपने रिप्रेजेंट करनी चीजें मैथ्स से करेंगे, तो ये जो हमने लिखा है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, ये मैथ्स है इसका, ठीक हो गया बात, बहुत बढ़िया। तो ये पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस क्या है, ये होता है लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, यानी कि मोशन के दौरान, गति के दौरान, चलने के दौरान ऑब्जेक्ट ने जो पाथ कवर किया है उसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका डिस्टेंस, 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 ठीक है। 12th का फिजिक्स बेटा 12th का भी चल रहा है, 12th का मैडम स्टार्ट कर चुकी है, फिर हम स्विच कर लेंगे 11th और 12th, जैसा मैंने बताया सब मिलेगा, सब मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टॉप नॉच तरीके तक आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू सारे करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होंगी, और कंसेप्ट चलिए बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा ऊपर तक, चिंता ही मत करो बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। तो डिस्टेंस है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो इसने कवर किया है वो होता है, और डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसको समझ लेते हैं, फील ले लेते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट सीधा, ये एरो, ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। अच्छा इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस, तो मान लो इस पाथ को ट्रेवल किया इसने, ये ऐसे यहां से शुरू किया, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है इसको फॉलो किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, इसको फॉलो किया,
इसको फॉलो किया तो जितना इस पाथ का लेंथ है वो इसका डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा इस मोशन का डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे आपको यहां से समझते हैं, मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह का सर्कुलर पाथ है, यहां पर डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट्स है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। अब सबसे पहले मुझे बता दें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे ये ना सोचें कि सर ये सिंपल सिंपल चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी, तो वैसा ही कुछ यहां पर भी है। सिंपल चीजों को आपने हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों को ये सब चीजें पता होगी, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाने का वादा किया है, तो हर चीज बिल्कुल डिटेल में मैं कवर करूंगा। जैसे जैसे आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा डीप होते जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमेशा कैरी करनी है। एक सिंपल सादा रूल याद रखो, फिजिक्स आसान बनानी है तो हमेशा पुरानी चीजों को कैरी करके रखो। पुरानी चीजों को कैरी करने का मतलब ये कि जो कॉन्सेप्ट आप सीखते जा रहे हैं उनको आपने ध्यान रखना है और अप्लाई करना है, रिलेट करना है आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ। सिर्फ ध्यान रखना नहीं कि हमें पता है सारी चीजें, उनको आपने अप्लाई करना है आगे आने वाले टॉपिक्स में, रिलेट करना है। ये कर लिया तो फिजिक्स ईजी है फिर। बहुत बढ़िया जवाब आए बच्चों के, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। डिस्प्लेसमेंट सही बताया बच्चों, बिल्कुल 2r ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकता है कोई? व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बता दें फटाफट से, डिस्टेंस भी बता दें। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को पता है आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी चीज है, आप बता दोगे फटाफट से। हेलो शत्रुघ्न, नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल तुम्हारे, बता दो डिस्टेंस भी बता दो बच्चे, डिस्टेंस भी बता दो कि डिस्टेंस कितना होगा ए से बी जाने का, ए से बी जाने का डिस्टेंस बता दो। सरकमफेरेंस, ओके। चलो देखो, डिस्टेंस हम यहां पर बता ही नहीं सकते, डिस्टेंस इज नॉट डिफाइंड हियर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, डिस्टेंस डिफाइंड ही नहीं है, हैं? डिस्टेंस डिफाइंड ही नहीं है क्या? नहीं, यहां पर डिस्टेंस अभी डिफाइंड नहीं है बेटा। मोशन इन 1D चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, नीचे लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, क्या बात कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2r है, डेफिनेट डेफिनेट, क्योंकि मुझे इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, मुझे पता है इनिशियल से फाइनल का सबसे छोटा रास्ता ये है, और ए से बी जाना है तो डायरेक्शन भी डिफाइंड है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। डिस्टेंस मुझे अभी तक नहीं पता, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, तो अभी तो हमारा पाथ डिफाइन नहीं है ना, अभी मैंने बताया थोड़ी है आपको कि ये कहां से कहां जा रहा है। तो अगर ये वाला पाथ ये फॉलो करता है, ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये वाला पाथ फॉलो करता है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, डेफिनेटली। इसके अलावा मान लो कोई रैंडम पाथ फॉलो करता है, ये कर लिया, तो क्या डिस्टेंस यहां पर पाई आर होगा? नहीं, वो फिर इस पाथ का लेंथ होगा। तो यानी कि डिस्टेंस हम तभी बता सकते हैं जब हमें पाथ पता हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो डिस्टेंस हम तभी बता सकते हैं जब हमें पाथ पता हो, अगर हमें पाथ नहीं पता है तो हम डिस्टेंस नहीं ना बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन हो हमारे पास, कोई टेंशन नहीं, बता दो आराम से। लेकिन डिस्टेंस हम तभी बता सकते हैं जब पाथ का भी हमें पता हो, सिंपल बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे आप गूगल में जब सर्च करते हैं, गूगल में जब सर्च करते हैं तो हमको जो डिस्टेंस बताई जाती है वो क्या बताई जाती है, वो अलग अलग तरीके से बताई जाती है। जनरल लैंग्वेज में हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोले मेरे घर से उसके घर का डिस्टेंस क्या है, तो उसका डिस्टेंस है भैया 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना, ऐसे हम बताते हैं। लेकिन वो हम कैसे बता रहे हैं कि जो सड़क बनी हुई है उसके थ्रू जो रास्ता जा रहा है, हम ये मान लेते हैं कि भाई हम उसी को फॉलो करेंगे तो इसीलिए उतना डिस्टेंस है। लेकिन कोई शॉर्टकट लेके चला गया बीच में से गली में तो डिस्टेंस बदल जाएगी। तो असल में जो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल है। चलो इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां आएंगे, इनको एक एक करके मैं क्लियर कर दूंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कहा गया है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, देखो। अब मान लो मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन की। फिजिक्स में देखो एक बहुत बढ़िया बात है, फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया बात होती है, डायरेक्शन को हम प्लस और माइनस से इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं, स्पेशली इन 1D मोशन। देखो 1D मोशन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा,
ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की दो ही डायरेक्शन है, ठीक है, दो ही डायरेक्शन है, या तो राइट या लेफ्ट, या ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, है ना, इसी तरह से होता है ना, बैक एंड फोर्थ, तो दो ही डायरेक्शन होती है ड्यूरिंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए रेफरेंस है, ये x इज इक्वल टू जीरो मैंने रेफरेंस ले लिया। अब 2D होता तो x और y दोनों लेता, 1D मोशन है तो x ले लिया सिर्फ, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये जीरो हो गया। अब इससे इधर की तरफ मैंने ले लिया नेगेटिव, इससे इधर की तरफ ले लिया पॉजिटिव। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन टाइम पर यहां पर है, कुछ समय बाद वापस यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो, नथिंग, नाडा, कहीं नहीं है, यहाँ कहीं है। अच्छा अब मान लो किसी सर्टेन टाइम पर यहां पहुंच गया x1 पर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक, पॉजिटिव। अगर मान लो वो यहां से घूम करके वापस पहुंच करके यहां चला गया, तो ये क्या आ गया, इधर आ गया, ये मान लो इधर x2 में, लेकिन ये पीछे की तरफ आया, तो ये नेगेटिव x2, रेफरेंस के पीछे चला गया, इधर आगे पॉजिटिव लिया हुआ है, अपोजिट में नेगेटिव, दो ही डायरेक्शन है, तो एक प्लस से बता दो, एक माइनस से बता दो, कोई सा भी प्लस और कोई सा भी माइनस ले सकते हो, आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये है, अगर मान लो यहां से शुरू किया, घुमा 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 और वापस यहीं आ गया इसी स्ट्रेट लाइन पर, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव कतई नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं। तो यहां से शुरू करें भाई साहब, तो यहां गए 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 यहां तक पहुंच गए, है ना, ये मान लो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया एक्स नॉट यहां से यहां, अब वापस ये घूम करके आ रहा है यहां से यहां, सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पैरेलल लाइन से मैं दिखा रहा हूं, लेकिन है उसी लाइन में, तो एक्स नॉट जाते समय, एक्स नॉट आते समय, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2x0। अब मान लो और आगे निकल गया ये, इधर यहां पर पहुंच गया, इधर एक्स नॉट और कवर कर लिया, तो कितना हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, क्योंकि मुझे तो टोटल पाथ का लेंथ देखना है। अब वो एक ही जगह घूमता रहे भाई, चक्कर लगाता रहे दो डिस्टेंस के, दो पोजीशंस के बीच में, कोई मतलब नहीं, हमें तो टोटल लेंथ से मतलब है कि कितना वो चल लिया, ठीक है, कितना वो चल लिया, तो एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, 3x0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ ये इनिशियल, ये फाइनल, बीच में क्या क्या उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये है माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात। अगली बात, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये सारे पॉइंट किस लिए बता रहा हूं मैं, सारे पॉइंट किस लिए बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, नीट में आपके इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम ऐसा है कि लिमिटेड टाइम होता है काफी, और उसमें काफी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन करने हो, तो जो एग्जामिनर है वो आपकी गणित तो चेक करने बैठा नहीं कि बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन दे देगा, कुछ कर देगा, है ना, बहुत मैथमेटिकल लेयर्स लगा देंगे, एक आधे क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं होता, तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो कंसेप्चुअल हो, तुरंत बन जाए, या फॉर्मूला बेस्ड हो, या आपके थोड़ा बहुत उसमें न्यूमेरिकल हो, ज्यादा नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब क्लियरिटी होगी तो सोचना नहीं पड़ेगा, वहां पे हमको खटैक लगे दिख जाएगा और तुरंत लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करोगे क्या कल, नहीं वैभव, इलेक्ट्रिक वाला जो है ये अभी आपका 12th का स्टार्ट नहीं हुआ, पहले 11th हम ये वाला एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर 12th का एक उठाएंगे, अल्टरनेट चलाएंगे बेटा, और साथ में अर्चना मैम भी क्लासेस ले रही हैं, उनकी भी क्लासेस हो रही हैं, तो वो भी क्लासेस ले रही हैं, तो एक एक चैप्टर हम ऑल्टरनेट कर रहे हैं, एक अभी 12th का वो ले रही है, मैं 11th ले रहा हूँ, फिर स्विच कर लेंगे, इस तरह से चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेकिन पोजीशन अफेक्ट होती है, पोजीशन इज अफेक्टेड, ये कौन कौन समझ गया बात को, कि पोजीशन तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट हुआ है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे नहीं पड़ता। देखो मैं बताता हूं, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, ये वाला, इधर को एक्स है, इधर को वाई है, ये ओरिजिन है बाबू, ठीक। अब यहां पर एक पार्टिकल है जिसका पोजिशन ये है, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट दूसरा ये है जिसका पोजिशन वैक्टर ये, ठीक है बेटा, ये है, क्लियर बात, बहुत बढ़िया, ये है सही। अब देखना यहां पर, अब मेरी बात सुनना, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी, ठीक। तो अब डायरेक्शन देखो इस एरो की, यही है, ये एक सर्टेन डायरेक्शन ए से बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, 2 मीटर, 4 मीटर, व्हाटएवर, कुछ भी आप रैंडम डेटा मान लो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने भैया अपना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इसको शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा कि यार मेरे को ओरिजिन यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा सा पीछे को ले रहा हूँ, ये हो गया, अब मेरा ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अब ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है। अब देखना, अब ध्यान देना, अब ये जो ए पॉइंट का लिए पोजीशन वेक्टर होगा ना, अब ये हो जाएगा,
ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया और ये बी का हो गया। ये अब देखो, ये ब्लैक कलर से पहले पोजीशन नजर आ रही थी आपको ए की और बी की, अब ये पोजीशन वेक्टर बदल गए, है ना। रेफरेंस से इनकी डिस्टेंस भी बढ़ गई, ठीक है, डायरेक्शन भी थोड़ी चेंज हो गई, टिल्ट हो गया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो अभी भी वही है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो मूव नहीं किए ना, समझ रहे हो ना। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो डिस्टेंस हम बताते हैं किससे, रेफरेंस से, सॉरी पोजीशन हम बताते हैं रेफरेंस से, ओरिजिन से, जो भी आपका रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से हम बता रहे हैं पोजीशन को। तो अगर हमने वो ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन भी बदल जाएगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स का, ठीक है, यानी कि उन दोनों की रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर डिपेंड करता है आपस में। अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया तो ए के रेस्पेक्ट में बी कहीं गया क्या, या बी के रेस्पेक्ट में ए कहीं गया क्या, कहीं नहीं गया, वहीं का वहीं है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भैया अपना रेफरेंस एक्सिस चेंज करते रहो, शिफ्ट करते रहो, डजंट मैटर। सही है। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा? सिलेबस आपका जो एग्जाम होगा उससे 1.5 महीना पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन उसके पहले तक आराम से हो जाएगा, 1.5 महीना पहले, ताकि हम रिवीजन भी स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर हम सारी चीजें यहाँ कर रहे हैं तो इसीलिए इतना टाइम लगेगा, क्योंकि थ्योरी भी करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे, इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे, PYQs, NCERT सब करेंगे, तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, अरे कहाँ चला गया भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, बट द डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आपका पाथ डिफाइन नहीं हुआ है कि आपने किस पाथ को फॉलो करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना है, डिस्टेंस डिफाइन नहीं ना कर सकते, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो जाएगा, उसके लिए तो सिर्फ पोजीशन चाहिए, कहानी खत्म। तो ये सिंपल चीज है। अगला है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ हैव सेम यूनिट ऑफ लेंथ। ऑब्वियसली यार, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है कि लेंथ ही है दोनों एक तरह की, तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। ये बहुत सही बात है। अभी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया ही था कि ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया, अब ये मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही, जितना चलेगा चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले, कहीं भी ये घूमे, वो सारा का सारा लेंथ एड होते जाएगा ऐसे घूम घाम करके, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है उसे लेंथ से मतलब नहीं है कि कौन सा पाथ फॉलो किया है, उसे मतलब है कि शुरू कहाँ किए और खत्म कहाँ किए। तो यहाँ शुरू किए, यहाँ खत्म किए, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल टू फाइनल एरो, ये वेक्टर में, ये समझ गए, ये सिंपल है, बहुत बढ़िया। एंड द लास्ट, फॉर अ बॉडी अंडर गोइंग वन डायमेंशनल मोशन इन द सेम डायरेक्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत सही बात कही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, आपको आगे काम आएगा। जैसे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपका रेफरेंस है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी वो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और इसी तरह से इसी लाइन के अलॉन्ग आगे बढ़ता रहेगा। तो मान लो किसी टाइम पर यहाँ पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ये एस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी एस ही है, बस डायरेक्शन साथ में आ जाएगी, इधर की तरफ पॉजिटिव है तो प्लस एस, और क्या, ठीक। तो यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, अगर लेफ्ट में भी चलेगा तो भी सेम रहेगा, ठीक हो गई बात। बाकी कोई और केस होगा स्ट्रेट लाइन में, कोई भी और केस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है डिस्टेंस से, जैसे ये ए और बी है, ए और बी है, अब ए और बी से जाने के लिए सबसे छोटा पाथ ये है, इसकी लेंथ जो भी रहेगी वो इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, इसके अलावा मैं कोई सा भी पाथ लूंगा तो इससे ज्यादा ही मेरे को लेंथ कवर करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है मेरे बच्चे वो हमेशा हमेशा ज्यादा ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, और इन द लीस्ट केस बराबर हो सकता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन टू डिवाइड, व्हेन टू मल्टीप्लाई, अरे किसको डिवाइड किसको मल्टीप्लाई करना है बेटे, क्या बातें कर रहा तुम, भाग की कहां बात आ रही है यहां पे अभी। चलो इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं बच्चों, अनअकैडमी की तरफ से यार आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नीट यूजी मेगा कॉम्बैट हो रहा है, इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने के भैया चांसेस हैं, बढ़िया से टेस्ट दो, तैयारी करके बढ़िया मार्क्स लाओ, 100% स्कॉलरशिप पाओ प्लस के लिए, और यहां पर क्लास 11th 12th और रिपीटर्स सबके लिए अलग अलग कैटेगरी में टेस्ट होगा, हर संडे होता है, 28 क्वेश्चन 45 मिनट्स में,
और कुछ लकी विनर्स को यहाँ पर भैया गिफ्ट भी जीतने का अवसर है, देख लो क्या जबरदस्त गिफ्ट है, ठीक है। और इसके लिए फ्री एनरोल करना है, सिर्फ कोड लगाना है एसएनबी सर, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर पाएंगे। तो ये कोड जरूर लगा लेना, सभी को बताना है और आपने भी एनरोल करना है, फ्री है, फ्री है। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊं आपको कि स्कॉलरशिप्स प्राइजेस ये तो है ही, लेकिन आपने एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है, फ्री में आपको प्रैक्टिस मिल रही है। प्रैक्टिस सीरीज के लिए आपको पैसा देना होता है जनरली टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन हर संडे आपको प्रैक्टिस मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जरूर 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 इसमें एनरोल करना है, ये ऐप पर भी है और वेब पर भी है, दोनों जगह अवेलेबल है, फ्री है, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस करता है ये आपको बताता है वेलोसिटी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहां से शुरू हुआ भैया ए से, ठीक है। अब ए ये रेफरेंस है आपका, यहां से चल रहा है, मान लो ये टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में इसने कवर कर लिया 10 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर का, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां पर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्प्लेस कर रहा है पर सेकेंड। सिंपल भाषा इसको और तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि ये बता रहा है कि पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, कितना चेंज आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आपका ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस कर जा रहा है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन, तो ये आपका बताता है वेलोसिटी। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। फिर आता है एक एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एक हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जरा इसका फील ले लेते हैं, ठीक है। आपने अगर बेसिक मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ध्यान से पढ़ा है, तो ये चीज बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगी, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। तो चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, सिंपल तरीके से बता देता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन का रेफरेंस लेकर के, क्योंकि वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स का पहला एप्लीकेशन आप समझ लो बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से। तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ये जहां आपको नजर आ जाए इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल मीनिंग इसका होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज बोले तो डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज बोले तो डिफरेंशिएशन। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? मैथ प्रॉब्लम होती है ना उसमें, अरे यार तुम क्या टाइम पास कर रहे हो यार, टाइम पास ना करो भाई, इधर ध्यान दे लो, इधर ध्यान दे लो, है ना, सिंसियरली स्टडी करना है, इधर ध्यान दो, टाइम पास ना करो बच्चों। चलो रेट ऑफ चेंज बताता है डिफरेंशिएशन को, कैसे बताता है। अब यहां पर मान लो कि मैंने यहां पर ये इधर वाई और इधर एक्स एक कर्व ले लिया, एक कर्व ले लिया ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है x1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह है x2, ठीक है। यहां पर है y1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कोऑर्डिनेट है y2, ठीक। अब मान लो यहां पर x1 x2 है, ये मान लो टाइम ले लिया, मान लो इधर मैंने, है ना, ये टाइम ले लिया पोजीशन की जगह टाइम, ठीक है। और ये आपका पोजीशन बता रहा है ना, y1 y2 पोजीशन को बता रहा है, यानी कि मैंने इतने टाइम में पोजीशन में कितना चेंज देख लिया। तो ये आपका डेल्टा y, ये आपका डेल्टा t, ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा टी, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा सीधा, ये आपका ट्राइंगल बनेगा, ये आपका थीटा हो गया, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा टी, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर अगर मैं टेन थीटा लिखता हूं तो ये होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा टी। तो ये क्या बता रहा है कि भैया डेल्टा टी अगर टाइम में चेंज हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में पोजिशन में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा वाई का चेंज हुआ है, डेल्टा वाई का चेंज हुआ है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये आपको क्या बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज
ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा एवरेज वेलोसिटी, और इसी को कहेंगे आप एवरेज स्लोप, इसी को कहेंगे एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ उसका एवरेज स्लोप है, ये एवरेज स्लोप है, समझ आ रही बात। अच्छा अब एवरेज का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मान लो मान लो मान लो अगर मान लो यहां पर ऐसा ज्यूम करो कि यहां पर आप जाते हो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी एक कार जा रही है, सिटीज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, पाथ का जो लेंथ है, जो पोजीशन है, सीधा सीधा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, वो मान लो है यहाँ पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब गाड़ी चल रही है, अब आपसे कोई पूछता है कि भैया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गाड़ी गई है तो इसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने में इसे समय लगा है मान लो 100 किलोमीटर है, तो मान लो इसको लगे हैं 4 आवर्स, 4 घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी है ना, फिलहाल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा आपका, यहां पर वेलोसिटी का एवरेज लेंगे, ये वाला साइन एवरेज को बताता है, यो यो अनी सिंह, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से बी जाने में 100, और टोटल टाइम कितना लगा 4, ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। पर मुझे एक बात बताएं कि जब ये चला होगा ए से बी तो बीच में स्पीड ब्रेकर भी आया होगा है ना, जो वहां पर सिग्नल्स हैं वो भी आए होंगे, गाड़ी को रोकना भी पड़ा होगा, कहीं रेस्ट भी लिया होगा, सभी कुछ किया होगा, यहाँ पर सभी कुछ किया होगा, सही है कि नहीं है, यानी कि लगातार 25 से तो नहीं चला होगा, कभी स्पीड ज्यादा भी हुई होगी, खाली रोड आ गया, हाईवे आ गया, कभी कम भी हुई होगी, ट्रैफिक ज्यादा है तो ब्रेकर्स होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, सारी चीजें होंगी, तो ये जो टाइम है ना इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, वो सारी चीजें, तो एवरेज हुआ है, एवरेज हुआ है। वही जो आपका इंस्टेंटेनियस होता है ना, ये आपको बताता है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, ये आपको बताता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रेट ऑफ चेंज है डिस्प्लेसमेंट का, यानी क्या वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको यहां से समझो कि ये जो ग्राफ हमने लिया था ना, ये जो ग्राफ हमने लिया था, कहां चला गया भैया, हाँ ये रहा, इसमें अगर मैं कह देता हूं कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अब समझो टी वन और टी टू ये एक गैप है, एक टाइम पीरियड है, एक घंटे का, दो घंटे का, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको टेंडिंग टू जीरो कर देता हूं, यानी कि इसमें गैप बिल्कुल जीरो कर देना है, अगर दो पॉइंट्स के बीच का गैप जीरो कर दिया जाए, यानी एक ही पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, तो ये ग्राफ आपको फिर कैसा नजर आने लगेगा, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से, ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा लेकिन ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जो उनके बीच सेपरेशन था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नगण्य, जीरो, एक ही पॉइंट पर ये पहुंच जाएगा। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाऊंगा तो एक टेंजेंट बनेगा असल में, ये थीटा, और इसका जो टेन थीटा है ये आपको क्या बताएगा, ये y था यहाँ, ये t था, तो ये आपको बताएगा dy by dt, और यही क्या है, यही है स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप, और यही है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, उसी क्षण पर, उसी समय पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, और यही है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है बेटा, अगर हम एवरेज बात कर रहे हैं, टोटल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ, उसको डिवाइड कर दें एवरेज वेलोसिटी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि भैया इस मोमेंट पर, इस टाइम पर, इस समय पर क्या इसका वेलोसिटी रहा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसका मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है, सिंपल सिंपल सी बात ये है, ठीक है, सही, क्लियर, सिंपल सी चीज, बहुत बढ़िया।
अब ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसी तरह से हमारे पास में यहां पर देखो ये एक एग्जांपल है, यहां से और क्लियरिटी आ जाएगी। क्या कह रहा है कि देयर आर टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं दोनों बेटा यहां से, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और पोजिशन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट की गई है दोनों की। अभी कह रहा है कि किस टाइम पर दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, किस टाइम पर दोनों का सेम वेलोसिटी हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, यानी कि इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पी का कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका पी का पोजीशन, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, ए तो कॉन्स्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया, टी स्क्वायर का टू टी हो गया, तो ये टू बी टी, ये वी टी, और इसी तरह से क्यू का वेलोसिटी निकालें, डिफरेंशिएट कर दो एफ माइनस टू टी। अब भैया ने कहा है कि ये दोनों सेम करना है हमें, तो वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। अब यहां से इधर कुदा दो इसको, तो यहां से टू कॉमन आ गया, सॉरी टी को टू टी कॉमन आ गया, ये बी प्लस वन हो गया, और इधर एफ माइनस ए हो गया, तो टी यहां से आ गया एफ माइनस ए अपॉन टू बी प्लस वन, ये आ गया बेटा आपके पास में टाइम। तो इस समय क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में इस समय पर दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ आ रही बात, आई होप यू आर गेटिंग दिस। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल फील ले रहे हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अभी आपको ये सिंपल चीजें लग रही होगी, इसलिए काफी बच्चे कैजुअली ले रहे होंगे इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा यू वुड रियलाइज कि ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है जिनकी ये सब चीजें वीक रह गई थी या मिस आउट हो गई थी या उस समय इतना सीरियसली उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर आपको मौका मिल रहा है। ठीक है बेटा, ठीक, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला हिसाब। अब स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पर बात होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, यहां बात होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की। यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है, और यहां पर भी दोनों ही चीज है, जैसे अगर एवरेज स्पीड आप निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितने टाइम में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इंस्टेंटेनियस यहां पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तो यहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे आप सिर्फ एक चीज बताएं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें रिलेशन बता दो इसमें रिलेशन बता दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है बताएगा कोई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बात है, ये बात सभी को चमकता है कि नहीं चमकता है, भाई बताओ फटाफट बताओ, ठीक है। देखो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हमेशा इक्वल होता है। कैसे, अब ऐसा समझो कि कार चल रही है भैया, ठीक है, ये बढ़िया से कार चल रही है, ठीक। अब कार में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, कार में अपना स्पीडोमीटर होता है, वो आपको बताता है भैया कितनी स्पीड हो रही है, डिजिटल एनालॉग जैसा भी कार है आपका, है ना, तो वो बताता है। अब उस समय गाड़ी चल रही है, अब किसी ने पूछा कि भैया बताओ अभी इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो वहां पर दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, टांके में दिखा रहा 60, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, आप या तो लेफ्ट राइट के हिसाब से बोलेंगे, नहीं तो सीधे जा रहे हैं तो आप नॉर्थ साउथ इस हिसाब से बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उस मोमेंट का। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, तो स्पीड क्या है, डायरेक्शन हटा दो बस, 60 है स्पीड, उसी स्पीड से चल रहा है, समझ में आई कि नहीं आई बात, तो ये चीज ध्यान रखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, ठीक है, सेम ही होता है।
बहुत सही बहुत सही। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक दो रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। सिंपल से कुछ यहां पर रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। सपोज इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो कहीं भी आए यूनिफॉर्म स्पीड, उसका मतलब क्या है कि उसने बराबर डिस्टेंस कवर किया है बराबर बराबर टाइम में। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर टाइम है, तो इसने क्या किया है, मान लो जीरो से टी नॉट तक इसने कवर किया है यहां पर एस नॉट, फिर टी नॉट से टू टी नॉट ये पहुंचा, तो फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, टू एस नॉट, फिर ये आगे पहुंचा, ठीक, तो ये थ्री टी नॉट पर इसने कवर कर लिया थ्री एस नॉट, यानी कि टी नॉट का जो गैप है उसमें ये कितना कितना कवर कर रहा है, एस नॉट कवर कर रहा है, ठीक हो गई बात। तो ये इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। सिंपल है बात, इसमें कोई खतरनाक बात नहीं है, ठीक। चल इसके बाद इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, या इसको ऐसे कर लें, ईच हाफ ऑफ डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम पीरियड, तो अब इसका एवरेज स्पीड हमने निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालना, जैसे ये यहां पर हमारे पास में ये सिचुएशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए से चला बी पर पहुंचा इस पाथ को फॉलो करते हुए। अभी यहां पर जो भी हम पाथ लेंगे स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वन डी मोशन चल रहा है, ठीक है। तो इसने एस कवर किया यहां से यहां तक का, कितने टाइम में, टी वन टाइम में। यहां पर इसने एस कवर किया कितने टाइम में, टी टू टाइम में। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एस प्लस एस इतना किया, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, टी वन प्लस टी टू, ये एवरेज स्पीड हो गया। अब इसी में मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूं। अब मान लो इसने ऐसे किया कि इक्वल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, है ना, आधा डिस्टेंस ये आधा ये, और यहां किया वी वन से, यहां किया वी टू से, है ना, ये स्पीड से वी वन स्पीड से पहला आधा डिस्टेंस किया, वी टू स्पीड से दूसरा आधा किया। अब यहां एवरेज स्पीड अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या, टोटल डिस्टेंस एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम टी वन प्लस टी टू हमें टाइम तो पता नहीं यहां पर, लेकिन हम क्या जानते हैं, स्पीड जो आता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, यानी कि वी वन इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी वन, टी वन इज इक्वल टू एस बाय वी वन। इसी प्रकार से दूसरे का जो टी टू टाइम है वो क्या आ जाएगा, एस बाय वी टू, ये यहां पर टिका दो भैया, तो ये हो गया टू एस डिवाइडेड बाय एस अपॉन वी वन प्लस एस अपॉन वी टू। एस एस कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन वी टू। तो यहां से जो आपका एवरेज स्पीड आएगा वो क्या आ गया, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। ये रिजल्ट हम याद रखें, ये कब काम करेगा, जब डिस्टेंस तो बराबर बराबर कवर किया है लेकिन स्पीड अलग अलग रहा है ना, अलग अलग स्पीड से कवर किया, डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, ये है, ये वाला है। तो ये रिजल्ट आ जाता है v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया ये s s यानी कि डिस्टेंस सेम बराबर बराबर कवर करे, टाइम अलग अलग, वहां पर जो स्पीड है वो अलग अलग। अच्छा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं कि ये एवरेज वेलोसिटी के लिए भी काम कर जाएगा तो कर जाएगा, कैसे कर जाएगा, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है, समझ रहे हो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले आप इतना ही होगा, सेकंड में कितना होगा, इतना ही होगा, और स्पीड इसने सेम मेंटेन करी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है ना? सही है। हेलो अंजलि, नमस्ते बेटा, हेलो, वेरी गुड। तो ये हो गया, ठीक है, ये हिसाब है यहाँ पर, ये सिंपल सिंपल सा हिसाब है, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां पर अगर डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, यानी कि सेम टाइम बट डिस्टेंस इज डिफरेंट, यानी कि सेम टाइम बट डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट, टाइम सेम है बट जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिफरेंट है बेटा यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, देखो ये देखो, लीनियर डायग्राम स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने हमेशा बनाने हैं, इसका इंपॉर्टेंस जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेंगे तब आपको ज्यादा रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, कितना इंपॉर्टेंट होता है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विकास, विकेश यादव, गुड आफ्टरनून बच्चे। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेम टाइम लगा, यानी इधर भी टी लगा, इधर भी टी लगा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर किया। अब एवरेज स्पीड यहाँ पर बताना है, और पहले ही बता चुका हूं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम ही आएगा, ये स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये हम मान करके चल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस किया, कवर किया इसने, अरे एस टू हो गया, नहीं, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टी प्लस टी, टू टी। अच्छा अब यहां से देखो, यहां से देखो, पहले में यहां पर S1 जो है ये इसमें सेम टाइम बट या वेलोसिटी, ऐसा कर लो, यहां पर क्या लिया था हमने, सेम टाइम बट डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड डिफरेंट है, S1 S2 अपॉन 2t, ये हो गया, ठीक। अब इसके पहले वाले केस में क्या था कि वेलोसिटी अलग अलग था, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया था, ठीक है। अब अगले में हम एक और केस ले लेते हैं जिसमें यहां पर हम ले लेते हैं कि टाइम सेम है, टाइम सेम है, ये टी है और ये टी है, और यहां पर वेलोसिटी अलग अलग है, v1 v2। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस, तो s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय ये 2t, है ना। इसी को बस हम दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो डिस्टेंस कैसे आएगा यहां पर, स्पीड इंटू टाइम, ये वाला कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम, ये यहां पर टिका दो, तो v1 प्लस v2 कॉमन आ गया, टी से टी निपट गया, डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज। तो ये लिटरली एवरेज होता है ना, जो मीन जिसको कहते हैं मैथमेटिकली एवरेज, तो ये लिटरली मैथमेटिकल एवरेज ही होता है सीधा ये। तो यहां पर क्या था, यहाँ टाइम सेम था, और वो वाला जो रिजल्ट आया था उसमें क्या था, यहाँ पर डिस्टेंस सेम था, ठीक है। तो जब डिस्टेंस सेम होगा ये फॉर्मूला फॉलो करें, और जब टाइम सेम होगा ये फॉर्मूला फॉलो करें, ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में काम करेगा अगर सेम ही लाइन में, सेम ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो, ठीक है। बोल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल है, क्या कह रहा है, अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स एक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, यानी कि ये एक्स से शुरू करे भाई साहब, वाई पर पहुंचे, तो जब गए ये, तो गए तो इनकी स्पीड थी वी यू, और जब वापस लौटे तो इनका स्पीड था वी डी, ये ठीक हो गई बात। अब टोटल एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस मान लो कि एस है, तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ध्यान देना एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना, डी जाने में किया, मान लो डी आने में किया 2d, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये 2d डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कैसे आएगा यहां पर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड vu प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड vd। तो ये d से d निपट गया, तो vu 2vu vd अपॉन यहां पर vu प्लस vd, वही फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो ये, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा यहां पर आप, यही वाला, क्योंकि यहां देखो डिस्टेंस सेम कवर किया है, जाने में भी आने में भी। अगर आपसे कोई पूछे इस दौरान एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस मोशन का, इस मोशन का एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है,
एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है यहां पर? बिल्कुल सही विकेश, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, एक्स से शुरू करा वापस वहीं पहुंच गए। चल अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिस टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया। अब ये देखो ये क्या किया भाई ने, यहां से शुरू किया घूम करके यहीं पर आ गया, रेडियस इसका दे रखा है अपने को ठीक, और टाइम कितना लिया इसने टोटल वो भी दे दिया 62.8 सेकंड्स ठीक है। अब यहां पर पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं हम, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस पाथ का लेंथ, पूरे सर्कुलर ट्रैक का लेंथ आ जाएगा 2πr ठीक है, 2πr क्लियर, ये 2πr डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 62.8 ठीक है। तो यहां से देखो आप 2 3.14 आर है अपना 100 डिवाइडेड बाय 62.8 ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.28 ठीक, तो यहां से एक जीरो इधर से उठा लो तो ये कितना आ गया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड। अब भैया ने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है ना यहां पे, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो यहां से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो, तो कितना आ जाएगा जीरो, तो यहां पर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो जीरो है और एवरेज स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है मेरा बच्चा, ये है ठीक। हाँ देखो ये मिस्टेक का ध्यान रखना है आपको, यहां पर पहले पूछा हुआ है एवरेज वेलोसिटी, तो पहले जीरो आएगा बाद में 10 आएगा सही, बहुत बढ़िया चल बहुत सही। ये देखें एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कार मूव्स अ डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड 40, सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट ए स्पीड v, एवरेज इज 48। अब यहां पर क्या कहा है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ यानी बराबर डिस्टेंस कवर करिए, बराबर डिस्टेंस, तो जब बराबर डिस्टेंस कवर करता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहां पर 2v1v2 upon v1 plus v2, सीधा फॉर्मूला लगाएं, ये है एवरेज दे रखा है 48 और ये 2 ठीक। अब यहां पर इसने क्या कहा हुआ है कि ये कर रहा है 40 से कवर पहला वाला, दूसरे का पता नहीं, ये 40 प्लस वी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल गुणा भाग करने हैं यहाँ पे, वो गुणा भाग वाला बालक कहाँ गया ठीक है, कर लेना यहाँ गुणा भाग भैया सॉरी अबाउट दैट, क्लियर है। अच्छा ये देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक बस है ट्रेवल कर रही है, पहला 1/3 डिस्टेंस इतनी स्पीड से, सेकेंड 1/3 इतनी स्पीड से और लास्ट 1/3 इतनी स्पीड से, तो तीन पार्ट में ब्रेक कर लें इसको, तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे बालक हम इसको, ए मेरे भैया ये देखो तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे यहां पर, ये एस एस और एस ठीक। अब पहले में यहां पर है 10, दूसरे का स्पीड है 20 और तीसरे का स्पीड है यहां पर 60। अब यहां से टाइम निकालो आप, पहले में टाइम कितना लगेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सेकंड में टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तीसरे में कितना लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब एवरेज निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस प्लस एस यानी कि 3s डिवाइडेड बाय s अपॉन v1 s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3, इसको सॉल्व कर लेना है बस, 3 डिवाइडेड बाय यहां पर एलसीएम लेंगे v1 v2 v3 और यहां हो जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। अब यहां वैल्यू प्लेस कर दो आंसर आ जाता है ठीक है, आंसर आ जाता है सही, बहुत बढ़िया सही है ना बच्चों, बोलो यार चैट में बताओ सारी चीजें क्लियर है। हमने यहां पर सिर्फ अभी बेसिक बात करी है, पोजीशन की बात करी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करी है, उसके अलावा हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज देखी है, इसके अलावा हमने वेलोसिटी के बारे में बात करी, एवरेज वेलोसिटी देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा है ना बेटा, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, आपका दूसरा क्लास भी होने जा रहा होगा अभी, तो आप लेट हो सकते हो उस क्लास के लिए, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं है ना, काफी सारी चीजें पढ़ने की हैं आज, चूंकि फर्स्ट सेशन था तो बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से हम लोगों ने चीजें समझने की कोशिश करी।
और जैसा मैं कह रहा हूं कि आप लोग बस साथ बने रहिए, साथ रखिए अपना और रेगुलरली क्लास में आइए। कंसेप्चुअली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर करेंगे, नीट का हर टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा। कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना वो कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। फिजिक्स का सारा डर, सारा खौफ, सारी चिंता सब निकाल देंगे यार, ठीक है? ग्रेट। चलो बच्चों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिया कीजिएगा। और अभी आज 2 बजे, ठीक है, 2 बजे क्या होने वाला है, एक अपना स्पेशल क्लास है जिसका लिंक जो है पिन कर दिया गया है। एनरोल कर लो, मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल फॉलो कर लो। और 4 बजे शाम को आपका सीबीएसई 12th वाला बैच तो चल ही रहा है, ठीक है, तो उसमें उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसको, नए पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सारी क्लासेस हैं आपके लिए, सारा मटेरियल, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है, इस चैनल पर सारी चीजें मिल रही है। चलिए बच्चों, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल बच्चों, जय हिंद।